लाली को चाय बड़ी पसंद है, इसलिए तो लाली अक्सर आपको पप्पू के ढाबे पे ही मिलती है। अगर आप लाली और पप्पू की लव स्टोरी देखना चाहते हैं ना, तो पप्पू लश्कारा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, टॉक शो सेंट्रल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम जी, अगर आपको ये लग रहा है कि पप्पू अब बहुत ही कोई सुरीला सा गाना बजा के ये आग पड़का देगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं होना, क्योंकि जी ऐसे होता नहीं है। पहली बात तो ये कि पप्पू है बहुत बसुरा, तो आग जो पड़क रही है वो भी मेरे ख्याल में गाने से बुझ जाएगी, इसलिए पप्पू ये अटैम्प्ट नहीं करता। और वैसे भी ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता था तानसेन के ज़माने में कि वो गाना गाते थे तो बारिश हो जाती थी, गाना गाते थे तो फसल में से गंदम उग जाती थी, और इस तरह की आइटम्स हो जाती थी। लेकिन अब नहीं ऐसे होता, क्योंकि अब मॉडर्न दौर हो गया। अब लोग कहते हैं यार माचिस मुचस से जला लो, कोई टेंशन नहीं है ऐसे। और अच्छी खबर आपको सुना देता हूँ, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल जो एक बैंड होता है ना, जिसमें ये लोग लड़के मुंडे सारे ये गाने शाने बजाते हैं,